हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। तो जितने भी करंट अफेयर्स हम आज यहां पे करेंगे वो आप सभी लोगों के लिए रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे वो UK SSSC से रिलेटेड कोई एग्जाम हो या हो फिर वो UK PSC से रिलेटेड कोई एग्जाम। तो जितने भी ये करंट अफेयर्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अदरवाइज देर आर नंबर ऑफ सोर्सेज जहाँ पे आप अभी करंट अफेयर्स कर रहे होंगे, 2 से 3 नंबर का ये UK SSSC में इसके आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के, लेकिन ये फिर भी आप छोड़ के नहीं जा सकते हो क्योंकि कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर्स 2-3 मार्क्स आपको किसी अच्छी पोस्ट भी लेके जा सकता है। लेकिन जितनी भी ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ, जितने भी लोग सक्षम फैमिली से जुड़े हुए हैं वो लोग तो उसको जरूर करके चले जाएं, क्योंकि आपके लिए ये ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के जिनके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ में जो लोग चैनल पे नए हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आज फटाफट से इन चीज़ों को करेंगे, थोड़ा जो वीडियोस होती हैं थोड़ा लेंथी हो जाती हैं, कोशिश करेंगे उसको जल्दी से निपटाने का। अब यह है कि आप लोग कितना इसको जो है पेशेंस से इस वीडियोस को देखते हैं पहले से लेकर लास्ट तक। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कि जो देश के प्रथम 10 पुलिस स्टेशन है वो उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन वो मिला है मुनस्यारी को। 10 मतलब टॉप 10 पुलिस स्टेशनों में मुनस्यारी को वो टॉप 10 में था, पिथौरागढ़ के अंदर ये आता है। और ध्यान दीजिए ये पुलिस स्टेशन जो है ना, ये जो डेटा है ये थोड़ा ओल्ड डेटा है। यहाँ पे जितने भी मैं आपको इस टाइप के करंट अफेयर्स करवाऊंगा जो 2017 लास्ट मीन्स ये मान के चलिए 2018 से लेकर 2021 जो रनिंग चल रहा है उसके ये सारे करंट अफेयर्स होंगे, क्योंकि ये ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 5 साल से पेपर नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मुनस्यारी को टॉप 10 में ये रह चुका है, ये भले अभी नहीं आया, अभी तो कोई और डेटा आ गया लेकिन ये पुराना डेटा है, लेकिन एटलीस्ट उत्तराखंड में एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जिसको टॉप 10 में जो रह चुका है। तो ये जो रैंकिंग होती है ये बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है भाई कि आपके यहाँ पे जो लोकल पुलिस स्टेशन है वहाँ पे क्राइम रेट कितना है, कितनी FIR वहाँ पे दर्ज हुई है, जो वहाँ पे पुलिस है क्या वो अच्छे से कोप अप कर पाती है, क्या उनका बिहेवियर अच्छा है लोकल पब्लिक के साथ। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस बिहा पे जो है ये जो रैंकिंग होती है ये डिसाइड की जाती है। तो मुनस्यारी को ये दर्जा दिया गया है, मतलब टॉप 10 में ये शुमार है, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ये उत्तराखंड का एटलीस्ट कोई तो पुलिस स्टेशन है जो टॉप 10 में आ चुका है। सेकेंड हम यहाँ पे बात करेंगे अंटार्कटिका में कंटूर मैपिंग करने वाली प्रथम भारतीय महिला, सर्वे ऑफ इंडिया में जॉब करती हैं, उत्तराखंड की हैं, पायल आर्य जी, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कंटूर मैपिंग होती है बेसिकली इमेजिनरी कुछ लाइंस होती हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। कंटूर मैपिंग बेसिकली होती क्या है, कुछ इमेजिनरी कुछ लाइंस होती हैं, सर्वे करना पड़ता है कैसे कोई दो पीक्स हो गई, दो चोटियां हैं, उनको कैसे आपको हाइट को मेजर करना है, तो इस टाइप की चीज़ें करनी पड़ती हैं। और जैसे आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आपने पढ़ी होगी भैया, चीज़ों कुछ चेंजेस होते रहते हैं आपकी अर्थ के नीचे, है ना, तो कुछ क्या चीज़ें चेंजेस हो रही हैं। तो यहाँ इंडिया से हर साल कुछ सर्वेयर को भेजा जाता है अंटार्कटिका में, और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी पहले से भेजा जा रहा है। तो अभी जो ये 38वां अंटार्कटिका अभियान हुआ था, तो वहाँ से उस अभियान में पायल आर्य जी वहाँ पे शामिल थी। और ये अंटार्कटिका ये मौसम के हिसाब से बेहद कठिन माना जाता है, तो ये इस टाइप का अभियान जहाँ पे -40°C जहाँ पे टेम्परेचर हो, इवन जून में तो थोड़ा -5° आ जाता है, तो वहाँ पे ये लोग रहे हैं, तो ये कठिन माना जाता है, इसलिए इनका नाम सुमार है। साथ ही साथ में आपको थोड़ी और चीज़ें बता दूं मैं यहाँ पे, जैसे कि जो ये लोग जो जाते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे दो स्टेशन होते हैं, जैसे जो पुराना स्टेशन था उसका नाम था मैत्री स्टेशन। अब ये स्टेशन मतलब होता है जैसे ये लोग यहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे रहते हैं और वहाँ से सर्वे करते हैं, जैसे बेस कैंप होते हैं ना, बेस कैंप जैसे जो लोग पीक पे चढ़ते हैं तो बेस कैंप से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो इसी टाइप के इनका यहाँ पे बेस कैंप टाइप में होता है। बेस कैंप मतलब ऐसा कैंप जहाँ पे लोग ये रहने के बाद वहाँ पे सर्वे करेंगे। अब ये तो पुराना है मैत्री, और जो ये नया है उसका नाम है भारती, तो भारती थोड़ा जो नई सुख सुविधाओं से भरपूर है। तो यहाँ पे जो भी सर्वेयर जाते हैं 1982 से कंटिन्यूसली जा ही रहे, तो ये लोग वहाँ पे रहने के बाद सर्वे करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। एशिया का सबसे बड़ा झील महोत्सव टिहरी लेक फेस्टिवल, अभी ये पुराना डेटा है, अभी 2021 में 15-16 फरवरी इसी में आपका जो है 2021 में यहाँ पे फिर से ये लेक फेस्टिवल होगा। अब इसमें होता क्या है कि टिहरी झील सभी को मालूम होगा, तो यहाँ पे ये 2 से 3 दिन का एक ऐसा फेस्टिवल कंडक्ट करवाया जाता है जहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम जिसे कह दिया जाता है। और इसके पास में एक जगह है जिसका नाम है कोटी कॉलोनी। अभी जो ये कोटी कॉलोनी जगह है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आप सभी के लिए कि ये कोटी कॉलोनी में एक अभी एक वैदिक विद्यालय, तो ये इंटरनेशनल लेवल का यहाँ पे एक वैदिक विद्यालय खुलेगा इस वाले प्लेस में। और ये कोटी कॉलोनी ये टिहरी लेक के पास में ही है, मतलब वहीं पे ही मान के चलिए इसे।
तो बाकी इसमें जो टिहरी लेक फेस्टिवल में और भी चीज़ें होती हैं, जैसे स्थानीय जो उत्पाद होते हैं उनकी वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई जाती है, जो ओल्ड टिहरी से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं या फिर जो न्यू टिहरी है उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं उनकी वहाँ पे प्रदर्शनी लगती है। तो ये है ओवरऑल टिहरी लेक के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इनसे रिलेटेड। राज्य का पहला कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल ये रुद्रपुर में खुल चुका है, हालांकि डॉक्टर होना हो लेकिन खोल दिया है, डॉक्टरों की कमी है लेकिन हॉस्पिटल खुल चुका है। तो यहाँ पे ये जो है ये केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत आपको हर एक स्टेट में इस टाइप के कुछ अस्पताल खोले जाने हैं। अब यहाँ पे राज्य कर्मचारी बीमा निगम का मतलब हो जाता है जो लोग फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं, तो भाई अभी किसी का कोई प्रॉब्लम होगी, अभी 400-500 रुपये कमाने वाला कोई आदमी श्रमिक जो होते हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया या किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर पाता है, गवर्नमेंट में तो नंबर ही नहीं आता है। तो इस टाइप का यहाँ पे क्या है कि उनके लिए स्पेशली कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं जहाँ पे अच्छे बेड्स हैं, ऑपरेशन थिएटर ओपीडी है जहाँ पे तो यहाँ पे इन सभी लोगों के लिए ये कुछ सुख सुविधाएं हैं। तो इनको कम रकम में, मतलब अपना बीमा करवाना है कम रकम में, अगर कल के दिन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वो हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो इस टाइप का कोई हॉस्पिटल खोला गया है ये रुद्रपुर में, तो ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा यहाँ पे अल्मोड़ा जिला जो है इसको नदी पुनरुद्धार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड मिल चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा मिला है ये अवार्ड, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड का पहला औद्योगिक पर्यटन केंद्र, ये खुल रहा है बडालू पिथौरागढ़ में। अब ये औद्योगिक पर्यटन केंद्र क्या है, बडालू कोई जगह है पिथौरागढ़ के अंदर, ये औद्योगिक पर्यटन केंद्र क्या है कि ऑलरेडी जैसे एक केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, उसी की तर्ज पे ये औद्योगिक पर्यटन केंद्र खोला जा रहा है। इसमें होगा क्या कि इसमें नर्सरियां बनेंगे जहाँ पे पौधे वगैरह तैयार करेंगे। अब पौधे भी क्या होते हैं, वो हाइब्रिड फल हो सकते हैं, कुछ हाइब्रिड सब्जियां होंगी, उनकी वहाँ पे खेती होगी, बागवानी टाइप की वहाँ पे होगी। मोर देन 5 लाख से ऊपर की यहाँ पे इस टाइप से कुछ खेती की जाएगी, मतलब पौधे तैयार किए जाएंगे और साथ ही साथ में ना इसमें ट्रेनिंग भी दी जाएगी किसानों को, या कोई बाहर से जाना चाहता है तो उससे भी वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ में फिर कि पर्यटन के लिए भी लोग वहाँ पे आएंगे, वहाँ पे रेजिडेंशियल के लिए भी बनाया गया है कि भाई कोई आएगा बाहर से तो उसको कहाँ पे रखना है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस टाइप की सुख सुविधाओं से भरपूर इस टाइप का ये पर्यटन केंद्र यहाँ पे बडालू में खुल चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे है योग विषय शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय है कुमाऊं। तो मैं अभी आपको यही चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई भारत से रिलेटेड उत्तराखंड में कौन सी चीज़ें पहली हुई हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, तो इनको तो बिल्कुल करके ही जाएं, चाहे कुछ और करो ना करो इनको तो जरूर कर लो। उत्तराखंड की पहली महिला रजिस्ट्रार कानून गो ये मीना जोशी जी हैं, पहली महिला रजिस्ट्रार कानून गो हैं उत्तराखंड के अंदर। तो ये आप कानून को क्या होता है सर, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स होते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स नाम सुना होगा, उनसे ऊपर की जो पोस्टें होती हैं उसमें आता है कानून को। तो ये यहाँ पे पहली महिला रजिस्ट्रार हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन भाई पूछे जा सकते हैं। तो सभी लोगों से भाई जो सक्षम फैमिली से जुड़े हैं उनको तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, अभी आपके पास ये फर्स्ट सीरीज है, अभी इसको नेक्स्ट बढ़ाएंगे, अभी आपको 4-5 सीरीज ऐसे मिलेंगे, आज तो 16-17 हम क्वेश्चन करेंगे, तो ये आपके एग्जाम में आएंगे 100% आएंगे, तो इनको आप कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। अदरवाइज जिसको अगर पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दें, आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तराखंड पुलिस महिलाओं के से व्यवहार के मामले में प्रथम स्थान उत्तराखंड पुलिस को मिला है, तो ये काफ़ी अच्छी हम सभी लोगों के लिए अच्छी एक न्यूज़ है कि जो हमारी पुलिस में जो महिलाएँ हैं व्यवहार के मामले में देश में प्रथम स्थान उन्हीं को मिला है। पहला हाथी उपचार अस्पताल, अब ये पहला हाथी उपचार जो अस्पताल है ये आपके राजाजी नेशनल पार्क में बनाया जा रहा है। अब ये जो राजाजी नेशनल पार्क है ये चीला रेंज के आसपास में बनाया जाएगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे अब जो हाथी हैं भैया, कोई घायल हाथी हो गया या फिर कोई हाथी है वो बीमार हो गया, अब उसका इलाज करवाना है, या फिर हो सकता है किसी हाथी को क्या बीमारी लग जाती है, तो उनका क्या होगा यहाँ पे जो इस हॉस्पिटल में क्या करवा सकते हैं, उन हाथियों का इलाज करवा सकते हैं। साथ ही साथ जो राजाजी नेशनल पार्क है ये वाला, तो ये एशियाई हाथियों के लिए भी प्रसिद्ध है। बाकी आप कार्बेट तो है ही, अब जो कार्बेट है वो आपका नैनीताल और पौड़ी में है, राजाजी 3 जिलों में फैला हुआ है, देहरादून हो गया आपका, हरिद्वार हो गया आपका, और आपका एक देहरादून हरिद्वार और पौड़ी, ये 3 जिलों में आपका राजाजी फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो आपका कार्बेट है वो भी वहाँ पे भी हाथियों की अच्छी खासी तादाद है, तो यहाँ पे ओवरऑल इनके लिए एटलीस्ट यहाँ पे एक हॉस्पिटल चाहिए था, इनके लिए ज़रूरी था ये हॉस्पिटल, तो फाइनली यहाँ पे जो है पहला हॉस्पिटल खुल चुका है जिसे हम कह रहे हैं पहला हाथी उपचार अस्पताल, तो ये बनेगा आपका चीला रेंज के आसपास।
देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये होगा पिथौरागढ़ में। अबे पिथौरागढ़ का कोई एक पास में जगह है मोस्ट मानो, तो यहाँ पे देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन ये होने वाला है। होगा क्या, इवन ये हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है, जब ये टाइप किया गया होगा उस समय ये बन रहा था, तो ये अभी हो चुका है। आप लोग चाहे तो इसकी पिक्स वगैरह देख सकते हैं, तो ये बन चुका है। तो यहाँ पे जो ये ट्यूलिप गार्डन है, इससे पहले ट्यूलिप गार्डन एक कश्मीर में बन चुका है, जो देश का पहला ट्यूलिप गार्डन है। तो उसके बाद श्रीनगर के बाद, मतलब कश्मीर में श्रीनगर आता है, श्रीनगर के बाद देश का जो दूसरा ट्यूलिप गार्डन है वो यही है। और जो इसका आकार होगा वो होगा आपका श्रीनगर वाले से बड़ा, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन यही है। राज्य का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर ये बनेगा अल्मोड़ा में। अभी नेचुरल फाइबर सेंटर क्या होता है, नेचुरल फाइबर का मतलब होता है, इसे बोला जाता है प्राकृतिक रेशा, मतलब यहाँ पे प्राकृतिक रेशा तैयार करने के लिए अल्मोड़ा में देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला जाएगा। तो यहाँ पे जो भी जैसे हिमालयन नेटल होती है जिसे कंडाली नाम देते हैं, भांग हो गया, भीमल हो गया, और कुछ रामबांस टाइप के, कुछ इस टाइप के कुछ घास वगैरह होती हैं, तो उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी। साथ ही साथ में उनसे जो रेशा निकलेगा, रेशा मतलब कुछ ऐसे धागे वगैरह जिससे बनाए जाएंगे, तो वो सारा का सारा इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ में इस सेंटर को, जहाँ पे ये नेचुरल फाइबर सेंटर है, इसको यहाँ पे पर्यटन और संस्कृति की दृष्टि से भी इसको विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड का पहला जिला जिसमें गढ़वाली को पाठ्यक्रम में जोड़ा वह है पौड़ी, इंपॉर्टेंट है। बेटियों के जन्म के मामले में उत्तराखंड का पहला जिला है बागेश्वर। अब यहाँ पे देखिए, जो ये बात हम कर रहे हैं, तो जन्म और जनगणना के अनुसार अभी एक सर्वे हुआ था, ये 2021 का ही है, तो अभी एक जस्ट सर्वे हुआ था। इस सर्वे में क्या पाएगा कि भैया सबसे ज़्यादा जो लड़कियाँ हैं वो बागेश्वर जिले में पैदा हुई हैं। अब ये जो लड़कियां हैं, ये 1000 लड़कों में ये 1068, मतलब 1068 ज़्यादा लड़कियां हैं, तो 1068 लड़कियां हैं। तो उत्तराखंड का लिंगानुपात भी वैसे आपको पता होगा, तो 1000 पे आपके 948 लड़कियां हैं, 1948 मतलब 1000 लड़कों पे 948 यहाँ पे लड़कियां हैं। और ये भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि जैसे बागेश्वर की आबादी है वो 300,000 के आसपास है, तो पहले यहाँ पे जो लड़कों का अनुपात था वो ज़्यादा था, लेकिन इस समय जो लड़कियों का अनुपात है वो ज़्यादा हो चुका है। उत्तराखंड का पहला दिव्यांग कौशल केंद्र खोला जाएगा, ये खोला जाएगा उत्तरकाशी जिले में। तो दिव्यांग कौशल केंद्र जहाँ पे सिलाई बुनाई इस टाइप की कुछ चीज़ें सिखाई जाएंगी, अभी तो खुला नहीं है, लेकिन जो खोला जाना जो प्रस्तावित है वो उत्तरकाशी में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर वाहन झूला पुल डोबरा चांटी, अब ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है, बहुत काफ़ी ये पॉपुलर भी हुआ है। तो ये जो डोबरा चांटी पुल है ये कुछ इस टाइप से है, डोबरा चांटी पुल। तो जो ये डोबरा चांटी पुल है ये भारत का सबसे लंबा सिंगल मोटरेबल झूला पुल है। अब यहाँ पे इसको डोबरा चांटी क्यों कहा जाता है, जो ये वाला प्लेस है, इस तरफ वाला जो ये प्लेस दिख रहा है, इस तरफ एक गांव है जिसे बोला जाता है डोबरा, और इस तरफ जो गांव है, इस तरफ जो ये वाला इलाका है, इसका नाम है चांटी। तो ये दो गांवों को जोड़ रहा है, डोबरा को जोड़ रहा है, चांटी को जोड़ रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया डोबरा चांटी पुल। अब यहाँ पे जो ये पुल है ये आपको दिख रहा होगा, एक तो अब जो ये इस तरफ वाला इलाका है, इस तरफ वाला इलाका ये आ जाता है प्रतापनगर तहसील के अंदर, और जो ये वाला इलाका है ये आ जाता है आपका टिहरी तहसील के अंदर। अब इन दोनों को ये जोड़ने का ये क्या करेगा, काम करेगा। नीचे आपको दिख रही है ये भगीरथी नदी पर ये बनाया गया है, और आपको दो चार चीज़ें कुछ आप ध्यान दे सकते हैं जो आपको टेक्निकल टर्म्स में कभी पूछी जा सकती हैं। वैसे भी इसको 14 साल से 2006 मतलब 2006 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, इसका बनने का, और अब जाके ये पूरा हुआ है, अब जाके मतलब अभी तो ये पूरा हुआ है जस्ट, तो लगभग इसको 14 साल लगे हैं इसको पूरा होने में, 2020 में ये बना के तैयार हुआ है, तो लगभग 14 साल में ये जो है इस पुल का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ में आप दो चीज़ें याद रखेंगे, जैसे जो ये है पुल की जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है, वैसे पुल यहाँ से माना जाता है पूरा, लेकिन हम एक्चुअल में इस वाले लंबाई की हम बात करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लंबाई है वह है आपका 440 मीटर। बाकी ये वाला छोड़ दीजिए, वैसे इसको लगा के तो ये और भी इसकी जो लेंथ है ये वो बढ़ जाएगी, लेकिन बस इतना ध्यान दीजिएगा ये आपका 440 मीटर होगा। तो इस पुल के बनने से क्या है कि जो यहाँ के लोग हैं, डोबरा के लोग हो गए या फिर चांटी के, डोबरा के जो इस टाइप यहाँ के इस साइड वाले जो इलाके के लोग हैं, इनको यहाँ जाने में अब ईजी हो जाएगा, इस तरफ मतलब न्यू टिहरी जाने को इनको ईजी हो जाएगा। तो जहाँ पर इनको 4 से 5 घंटे का सफ़र पहले तय करना पड़ता था, घूम के आना पड़ता था, क्योंकि यहाँ बीच में ये पूरा लेक है, ये वाला जो है ये पूरी टिहरी लेक है, तो यहाँ पर इनको घूम के जाना पड़ता था। तो अब क्या है, इनका 1 से 1.5 घंटे में ये कहीं भी जल्दी से पहुंच सकते हैं, अपना जो डेस्टिनेशन का न्यू टिहरी पास में पड़ता है, तो वहाँ पे जल्दी से पहुंच सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे इस पुल के बनने से काफ़ी इन लोगों को सुविधा हो चुकी है। तो दो तीन चीज़ें जो आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत ध्यान रखना है, बाकी मैं ज़्यादा इन पर बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊँगा क्योंकि इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो ये सीरीज़ है मैं यहाँ पर यही चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटर वाहन झूला पुल है डोबरा चांटी। वैसे अभी एक गवर्नमेंट एक और भी स्कीम चला रही है जिसमें है 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन, तो ये एक इस टाइप से भी इसको विकसित किया जा रहा है,
30 मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में 13 डेस्टिनेशन ऐसे होंगे, जैसे टिहरी में जो ये वाला डोबरा चांटी हो गया या जो टिहरी है लेक है, तो उसको इस टाइप से बनाया जा रहा है सो दैट कि वहाँ पे जो पर्यटक हैं वो आए, थोड़ा आकर्षण का केंद्र बना रहे। इसी टाइप से जैसे मैंने अभी आपको जस्ट कहा ये ट्यूलिप गार्डन, इसको भी इसी रूप में ढाला जा रहा है ताकि लोग पर्यटन यहाँ पे आए, पर्यटक यहाँ पे आए, आमदनी यहाँ पे लोगों की बढ़े, साथ ही साथ में गवर्नमेंट को भी यहाँ पे अच्छा खासा फायदा हो। तो इस टाइप से इन चीज़ों के बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे एक ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए भी इसको विकसित किया जा रहा है डोबरा चांटी को। लास्ट इसमें रहेगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत प्रदेश का जो पहला प्रशिक्षण केंद्र है वो दून में खोला गया है, इसको खोल दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री कौशल योजना है ये वैसे उज्जैन में स्टार्ट हो चुकी है जिसमें जब पहला हुआ था, लेकिन अभी उत्तराखंड में पहली बार इसको दून में स्टार्ट कर दिया है। और इसमें होता क्या है कि जैसे फील्ड टेक्नीशियन हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर पेरीफेरल के क्षेत्र में ऐसे कुछ जो युवा हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है। और फिर इस मिशन की ओर से जो एक ऐप भी तैयार किया है जिसका नाम है कुशल उत्तराखंड ऐप, कुशल उत्तराखंड ऐप। अभी कुशल उत्तराखंड ऐप क्या है, इस कुशल उत्तराखंड ऐप में कुछ नहीं है भाई, कि इसमें क्या है कि जैसे अभी आप लोगों के घर में बैठे हुए हो, अभी आपको प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है या फिर इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है, एज जैसे कि सभी को होती है, फिर फ़ोन करके फिर बुलाया जाता है। तो यहाँ पे इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि किसी भी किन्हीं भी लोगों को बुला सकते हैं घर पे, अगर आपका नल खराब हो गया भैया, इलेक्ट्रिशियन अगर आपको चाहिए तो इस ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं घर में बुला सकते हैं। हालांकि ये इतना कामगर नहीं है अभी, लेकिन ऐसा इस स्कीम के तहत है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ओवरऑल ध्यान रखनी है। तो आई होप कि कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। हमने टोटल यहाँ पे 16 से 17 ऐसे क्वेश्चंस किए हैं जो उत्तराखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं और इंडिया में पहली बार उत्तराखंड से रिलेटेड जो फर्स्ट टाइम हुआ है। तो ओवरऑल ये था इस वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी वीडियो की जो नेक्स्ट सीरीज होगी मैं आपको नेक्स्ट टाइम लेके आऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।